राजस्थान में वसुंधरा राजे को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। पहले तो उनको और उनके नेताओं को विधानसभा चुनाव में साइडलाइन किया गया और वहीं वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया। वहीं राजे के कई नेताओं के टिकट भी काटे गए। खैर, खबर क्या है आपको बताते हैं। आप देख रहे द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है, जिससे बीजेपी ने ओबीसी और आदिवासी पर बड़ा दांव खेला है। इन दोनों उम्मीदवारों की घोषणा से साफ जाहिर है कि सीएम भजनलाल शर्मा की इस फैसले में चली है। वसुंधरा राजे को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। वसुंधरा राजे समर्थकों को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पार्टी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन इस फैसले के बाद वसुंधरा राजे समर्थक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री प्रभुदयाल सैनी और राज्यपाल सिंह शेखावत को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाकर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर पार्टी ने राजे को भी तगड़ा झटका दिया था। सियासी जानकारों का कहना है कि ये झटका जारी है। हालांकि वसुंधरा राजे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि वसुंधरा राजे के कट काटी का राजस्थान में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। माना जा रहा था कि पार्टी ने इन नेताओं को संकेत दिया है कि फिलहाल उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थक विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने पर बागी होने पर उतारू हो गए थे, लेकिन बाद में मान गए थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा से दिल्ली भेजेगी। चुनाव के समय अमित शाह ने भी राजपाल सिंह शेखावत से बात की थी, लेकिन उन्हें ही मायूस होना पड़ा है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थकों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार किसी को भी नहीं बनाया। सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे की पूरी तरह से साइडलाइन करने में भूमिका निभाई है, ये सियासी जानकार दावा कर रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में भी वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह नहीं मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी दिनों में धीरे धीरे सीएम भजनलाल अपने समर्थकों को राजनीति नियुक्तियां दे सकते हैं। हालांकि सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि सीएम भजनलाल की चल नहीं रही है, सारे फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा सिर्फ निर्देशों का पालन कर रहे हैं। खैर, देखना होता है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की दरकिनारी से क्या फर्क पड़ता है। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।